डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों को ठगने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब अलीगढ़ में भी ठगों ने दस्तक दे दी है। जी हां, अब साइबर ठगों ने शराब कंपनी की एक महिला अधिकारी को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और उसके साथ 75 लाख रुपए की ठगी कर ली। बता दें कि दुबे का पड़ाव मानिक चौक की महिला हरियाणा में शराब कंपनी में अधिकारी है। उन्होंने बताया कि 8 सितंबर को उनके पास फोन आया। शातिर ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ मनी लॉन्ड्री की शिकायत दर्ज है, CBI जांच के आदेश हुए हैं, मैं इसका अधिकारी हूं। महिला ने मनी लॉन्ड्री से लिप्त होने से मना किया तो शातिर ने कहा कि CBI क्राइम ब्रांच में मुकदमा दर्ज है, अब तुम्हें डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए निकल जाएगी। इसके बाद कुछ कागज भेजे गए और कुसुम को इस केस में सम्मिलित बताया गया। 8 से 12 सितंबर तक वे महिला से संपर्क में रहे, वीडियो कॉल कट जाती तो तत्काल दोबारा कर देते। कहा कि तुम्हारे अकाउंट की सारी डिटेल हैक हो गई हैं, तुम्हें ED का अकाउंट देता हूं, उसमें अपने रुपये ट्रांसफर कर दो, इसकी रसीद मिलेगी और जब जाँच का केस खत्म हो जाएगा तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। इस तरह महिला ने 75 लाख रुपए डाल दिए और जब उसने अपने किसी रिश्तेदार से फोन पर बात की तो उसको एहसास हुआ कि ये ठगी का मामला है। तुरंत महिला ने पुलिस से संपर्क किया और उसको सारी शिकायत दर्ज कराई और महिला की तहरीर के आधार पर SP क्राइम ममता सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही उन्होंने साइबर ठगी को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। हाँ, संज्ञान में आया है और जो घटना हुई है उसमें FIR दर्ज कर ली गई है और विक्टिम से बात भी हुई है, उनको काउंसलिंग किया गया है और उनको अवेयर भी किया गया है और शीघ्र ही साक्ष्य संकलन करेंगे और इसमें से बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। डिजिटल अरेस्ट जो किस तरीके का माध्यम है, कैसे इसमें प्रॉब्लम? देखिए, गवर्नमेंट जो है समय समय पर एडवाइज भी जारी कर रही है। थोड़ा सा क्या है कि हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। फेक कॉल्स आती हैं, कोशिश करें कि अटेंड ना करें कॉल को, ये फिर भी अगर अटेंड किया है और कुछ डाउट लगता है तो स्वयं को अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें कि नहीं, मुझे जो है डरना नहीं है और हम पुलिस से संपर्क करें, उनको बताएं। हमें क्या होता है, भयभीत हो जाते हैं और हम उनके बहकावे में आकर के हम ट्रांजेक्शन करना शुरू करते हैं और उनको सही मानने लगते हैं। तो कोशिश करना है कि हम ऐसे फेक कॉल को अटेंड ना करें, कॉल को एंड कर दें, ब्लॉक कर लें, पुलिस से संपर्क कर लें। अनावश्यक कोई ट्रांजेक्शन करने से पहले आप संपर्क करना जरूरी है और अपने थाने में सूची जरूर करें। कितने लोगों का ये कॉल? 75 लाख। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए ET News India। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।